नया साल सभी के लिए खुशियाँ लेकर आता है और इसकी शुरुआत जल्द ही होने वाली है। नए साल के शुभ अवसर पर कुछ लोग नए काम का शुरुआत भी करते हैं। यही नहीं, कुछ लोग इस दिन नया प्रण भी लेते हैं। इस दौरान कुछ घरों में पूजा पाठ का आयोजन भी किया जाता है। मुख्य रूप से नए साल के दिन घर की साज सज्जा व सामान के रख रखाव पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन घर को साफ सुथरा रखा जाए तो पूरे साल घर में बरकत होती है। इस दौरान सभी घर से पुराने कैलेंडर हटा दिया जाता है और नए कैलेंडर लगाते हैं, जिससे नव वर्ष में आने वाले सभी त्यौहार से परिचित रहा जा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि कैलेंडर को वास्तु के अनुसार लगाया जाए तो इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि नए साल के कैलेंडर लगाते समय वास्तु के किन नियमों का पालन करना चाहिए। घर में नए कैलेंडर लगाते समय पहले पुराना कैलेंडर हटा दें। इसके बाद ही दीवार पर 2024 का नया कैलेंडर लगाएं। वास्तु के अनुसार घर में पुराना कैलेंडर लगे रहने से आपकी तरक्की और जीवन पर इसका असर पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार नए साल के कैलेंडर को घर की उत्तर, पश्चिम या पूर्व दीवार पर ही लगाएं। कैलेंडर को भूलकर भी दक्षिण दिशा में ना लगाएं। ऐसा करने से घर के लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अगर आप घर में तस्वीरों वाला कैलेंडर लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि कैलेंडर पर तस्वीर सकारात्मक का संदेह देने वाला ही हो। कभी भी हिंसक जानवर, दुखी चेहरे या नकारात्मक तस्वीरों वाले कैलेंडर को घर में नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर भूलकर भी कैलेंडर ना लगाएं। ऐसा करने से आपकी तरक्की के रास्ते बंद हो सकते हैं। नए साल के कैलेंडर को दरवाजे के पीछे ना लगाएं। ऐसा करना बहुत अशुभ होता है, इसलिए सही दिशा में ही कैलेंडर को लगाएं। हमारे बताए गए उपाय अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।